हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं माँ शिवरात्रि स्पेशल शक्करकंद का हलवा। इसको खासकर व्रत में बनाया जाता है, लेकिन आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो शक्करकंद का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले 300 ग्राम शक्करकंद ले ली है। उसको मैंने अच्छे से धो के उबाल लिया है, और उबालने के बाद हम थोड़ी सी ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे शक्करकंद के छिलके निकाल लिए हैं, और अभी इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। या मैं चम्मच से कर रही हूँ, आपके पास मिक्सर है तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर हाथों को अच्छे से साफ करके उससे भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम गैस के पास। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख दी है, और इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। ये हलवा आप घी के अंदर ही बनाएं, अच्छा लगेगा खाने में, और ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे वाले चम्मच से मैंने 2 चम्मच घी लिया है। घी अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम इसमें डाल देंगे मैश की हुई शक्करकंदी। और शक्करकंदी को हमें पहले मैश करके नहीं रखना है, जिस टाइम हम बनाते हैं उसी टाइम रखना है, वरना ये थोड़ी काली पड़ जाती है। अभी हमें शक्करकंदी को अच्छे से सेकना है। इसको सेकने में बिल्कुल ही कंजूसी नहीं करनी है, इसको बढ़िया से एकदम धीमी आंच पे सेकना है, तभी इसका टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आएगा खाने में। यह आप कोई भी व्रत में बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि आप कुछ भी चटपटा खाते हैं और आपका मीठा खाने का मन करे तो आप ये बना सकते हैं। और ये अच्छे से सीख जाए तभी हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। मैंने यहाँ 300 ग्राम शक्करकंदी ली है, तो इसमें मैंने 1 कटोरी भर के दूध डाल दिया है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दूध अच्छे से इसमें मिल जाए तब तक हमें इसे चलाना है। तो ये देखिए, दूध अच्छे से सूख गया है। तो अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल कम डालनी है। लगभग छोटे चम्मच से 2 से 3 चम्मच में चीनी डाल रही हूँ। आप टेस्ट करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि शक्करकंदी होती है जो पहले से मीठी होती है, तो इसके अंदर हमने ज़्यादा चीनी डाल दी तो खाने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। ये थोड़ा नॉर्मल सा मीठा होता है तभी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो शक्कर गुलने तक हमें इसे चलाना है, और गैस की आंच है जो हमें धीमी रखनी है, तेज नहीं रखनी है। ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको नॉर्मल घर में नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं, और बच्चों को भी खिला सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा सभी को। मैंने इसको माँ शिवरात्रि के स्पेशल मौके पर बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।